अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गाइस हम बाहर आए थे, ये बारिश हो गई, देख सकते हैं आप, बारिश हो गई बहुत ज़्यादा। बारिश रुकेगी तब हम थोड़ा बियर वेट बनाने जाएंगे। कहाँ जाएंगे बताना? जीटी सेंटर। चिक्कड़ खाओगे ना? मगरिब के बाद अभी रोज़ा है। मगरिब के बाद तो गाइस मगरिब के बाद तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद जब बारिश रुक जाएगी तब। मौसम अच्छा हो गया, ठंडा लग रहा भैया। यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही है और बिजली भी कड़कड़ लग रहा है यहाँ पे। आप लोग कब तो निकल निकलेंगे पता नहीं है। ये देखो, ये स्लो चलाना चाहिए इनको, देखो कैसे तेज जा रही है। गाइस तो बारिश रुक चुकी है। वो हेलमेट पहनो भाई, हेलमेट पहनो। ठीक है ना यार, बारिश में वरना थोड़ा अच्छा से आगे का चक्का उठता भी है। दादा नहीं लेकिन सलामत गिर जाना है। अच्छा आओ बेटो, हेलमेट पहनो यार, ऐसे चलेंगे ना? नहीं पहनो, हेलमेट पहनो, चालान कट जाएगा। हाँ चालान कट जाएगा। चलो गाइस तो बैठते हैं, चलो निकलते हैं यहाँ से। हल्की हल्की बारिश हो रही है फिर भी, मगर हम निकलेंगे यहाँ से। ओहो क्या सीन है, ओ ए अल्लाह, बहुत ठंड लग रही है। टेम्परेचर डाउन हो गया। अच्छा हाँ डाउन ही होता है। मजे ले रहा हूँ। गाइस आपको मिलते हैं थोड़ी देर में टैक्सी। तो गाइस देख सकते हैं बारिश में रोड की हालत क्या हो चुकी है। गली गली से निकलना पड़ रहा है। और आप बाइक चलाएं तो बिल्कुल भी स्लो चलाएं गाइस। पानी में गड्ढों का हमें डर। गाइस बिना हेलमेट का जो जा रहे हैं उनका चालान मत काटना, नहीं तो मेरा चालान काट देंगे। ये देखिए अब हम इस पानी में जाने वाले हैं। आराम से छिटाना पड़े तभी आराम से। गाइस हम अब पहुंचने वाले हैं जीटी बहुत जल्द। बहुत जल्द नहीं, आराम ही से जाएंगे। आराम से चलना भैया, मतलब जल्दी पहुंच ही जाएंगे। आराम से ही जल्दी अरे नहीं, अरे आराम से जाएंगे मगर जल्दी पहुंचेंगे। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मैं खुद को नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। सरकार ये देखिए रोड नहीं बना रही है, यहाँ पर कचरा वचरा आप देखते हैं। बताओ कितना गलत बात है, साफ सफाई रखना चाहिए। ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया, हरा भरा रहना चाहिए गाइस। इलेक्शन लड़वाएंगे अगली बार। इलेक्शन में लड़वाएंगे आप अगली बार। ये ऐसे ऐसे हाँ कहीं से भी लड़ लेंगे अपन। अपन को बस काम करना है, ये सब रोड बनवाना है अपन को, एकदम प्लेन खराबी ना हो। मार्बल लगवा देना। मार्बल नहीं, स्लिप होता है यार, मार्बल लगवाऊंगा यार। अब तो यार वैसे पता है राजस्थान में मार्बल की कमी नहीं है, सस्ते हैं, फिर भी स्लिप हो जाएगा यार, एक्सीडेंट होगा ज़्यादा यार, इसीलिए मार्बल। हाँ इसीलिए मार्बल वार्बल नहीं लगवाएंगे हम यार, सीधी बात। कौन सा पत्थर लगवाओगे? पत्थर नहीं यार, रोड बनवाएंगे तो पक्का ढलैया करवा के, ढलैया समझ रहे हो? ढलान क्या बोलते हैं इसको, ढलैया को यहाँ पर? ढलान तो हो गया, पानी स्लोपिंग हो गया वो तो। पानी स्लोपिंग? हाँ स्लोप तो जो होता है ब्रेकर, ढलने वाला ढलान। अच्छा ढलने वाला ढलान, उसको ढलने वाला ढलान बोलते हैं गाइस। ढलान ही तो बोलते हैं यार, मतलब जो ढलान ऐसे ढलान होता है ऐसे ऊपर चढ़ते, उसको चढ़ान बोलते हैं। गाइस सरकार से मुझे निवेदन है, ये मालवीय नगर का रोड है तो जल्द से जल्द बनवा दें, क्योंकि चलने में बाइक चलाने में थोड़ा चैन ढीला हो जाता है यार बाइक का। यार समझा करो यार, बनवा दो यार, सरकार कौन है, गहलोत जी है ना सर, आपको रिक्वेस्ट है सर, बनवा दो आप सर रोड प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट है। ये देखिए ब्रेन टावर के सामने हम आ चुके हैं सर, हम हर हफ्ते यहाँ आते हैं तो कृपया करके। हर हफ्ते नहीं, दो दिन पा जाते, मगर रमजान में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मौसम देखिए सुहाना हो रहा है, हम पहुंचने वाले हैं।
लेकिन कहीं का भी रोड ढंग से चिट जाए ना, पता नहीं सरकार को हम ही को बताना पड़ेगा यार। ये देखिए अगर रोड सही रहता तो पानी लगता है, ये देखिए हमको स्लो चलाना पड़ा, हम जानते स्लो चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, मगर रोड तो बनना चाहिए यार। ऐसे मत करो यार, देख लीजिए यार कम से कम, ये देखो अरे ये कचरा देखो ट्रेन के पटरी के किनारे कचरा ऐसे रहता है ये। अच्छा थोड़ा अच्छा एकदम मस्त माहौल बना दीजिए सरकार जी आप। इधर 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 पार्किंग इधर है, पार्किंग इधर है। सॉरी सॉरी वो भाई साहब वीडियो में आ गए, वीडियो बन जाएगा उनको भी डालेंगे, कोई टेंशन नहीं है। गलती भी हमारी नहीं है मेरी है, मैं बोल दिया अचानक ना लेफ्ट लेफ्ट है तो पता भाई। अब हम पार्किंग में आ चुके हैं, पार्किंग में लगाएंगे, यही लगा दे स्टार्टिंग से, यही लगा दे। हाँ यही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, हैंडल लॉक कर दो। तो गाइस गाड़ी लॉक हो चुका है तो चलते हैं, हम ठंड लग रही है बहुत, चलते हैं सैलून में थोड़ा बियर्ड वियर्ड बना लेंगे। अभी बनाओगे? बनाओगे, बनवा लेना, हाँ भाई जान भी बनवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ट्रेन जा रहा है, कौन सी ट्रेन है यार दिखा नहीं मेरे को, हाँ ये ड्यूटी आ चुके हैं, ये चाय स्मोकर है, रात को आप 11 बजे आओगे मस्त सीन यहाँ पे, दम चाय पी के दम माहौल बन जाएगा यहाँ पे आपको। अब बताओ मैं कैसे पारूँ, बताओ ऐसे रोड बनाना है, देखो इतू सा तो पैर है मेरा, हैं कैसे पारूँ मैं, हैं मैं पारूँगा गिर उड़ गया तो देखो मैं जम करूँगा मैं यहाँ से, आई जम कर दिया कर दिया कर दिया, बच गया मैं, आई कैसे करोगे पीछे आना पड़ेगा, आई देखिए सरकार को कुछ करना चाहिए ना, ये भाई जंप कर रहे हैं, ये जूता गीला हो जा रहा है। दो 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 गाइस चल रहे हैं, ठंड लग रही है। अब बताओ ऐसे चलना चाहिए, इधर से आ जाओ, देखो शौचालय से जाना पड़ रहा है हमें, हाँ देख रहे हो आप शौचालय से हमें जाना पड़ रहा है, इतनी रोड बिगड़ चुकी है कि हमें शौचालय से जाना पड़ रहा है। ये देखिए अब इस पर चलेंगे हम, माना कि रेत की कमी नहीं है राजस्थान में, बट इसका मतलब ये तो नहीं रोड पर भी हम ऐसे चले चलेंगे। ये देखिए आपको हम बता नहीं सकते इस पानी में से कितनी स्मेल आ रही है, बहुत गंदी ये नाले का पानी है यहाँ पे, ये फ्लो हो रहा है पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ये भी नहीं पता हमें। तो हम जीटी पहुंच चुके हैं, तो अब देखते हैं क्या है आगे, आगे बात थोड़ी देर में आपको आगे की बातें बताएंगे, थोड़ी देर में बस थोड़ा ऊपर का भी देख ली सीन। ओह नाइस, अब एंट्री करने वाले हम, तो आ चुके हैं हम जीटी, तलाशी क्या लेना है यार, ऐसी सारी भी दिखते हो यार तुम, यार तुम्हारा तलाशी लेना है बोलो हम कौन सा कुछ लेके भाग रहे हैं, हम देते हैं भागते नहीं है, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम भागने वालों में से भागने वाले में से नहीं है, धोखा हम भगाने धोखा नहीं देते, हम धोखा खाते हैं, डाल देंगे हाँ ठीक है गाइस, तो हम पहुँच चुके हैं आइला क्रिस्टल कोर्ट, तब थोड़ी देर के बाद आपसे बात करते हैं, आज की ब्लॉग थोड़ी समाप्त नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद समाप्त करेंगे, तर बियर्ड वेड बना लें। ओके गाइस बहुत पानी, देखो भाई मेरे ओंट सूख रहे हैं। तो गाइस मेरा हो चुका है, तो मिलते हैं सलमान भाई से, ये M2 पार्लर है क्रिस्टल कोर्ट में, तो आप सलमान भाई के पास ज़रूर आएँ, इनके पास मैं 6 साल से मैं आ रहा हूँ, इन्होंने मेरा लुक चेंज कर दिया है, पहले मैं चैम्पू दिखता था, अब मैं क्या दिखता हूँ देख सकते हो आप,
टैलेंट देख रहे हो भाई का, मोबाइल पे बात करते करते दम, ये टैलेंट है भाई जान का। पहले क्या थे अब क्या हो गए? मतलब हाईलाइट क्यों? गाइस तो कंप्लीट हो चुका है, अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हो चुका है तो हम चलते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं गाइस, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।